हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के सोशल साइंस का VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सर मैट्रिक एग्ज़ाम 2023 में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाएं पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हिस्ट्री से लिया गया है और सवाल में पूछा गया है मेजनी कौन था। मैट्रिक एग्ज़ाम पेपर में ऐसे सवाल 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आसान से ऐसा लिखिएगा कि मेजनी एक साहित्यकार विचारों का योग सेनापति था, जिसने 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया था, जो आगे चलकर नवीन इटली के निर्माण में काफ़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब यहीं से मैट्रिक के एग्ज़ाम पेपर में 2-3 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाते हैं कि मेजनी कैसा था, तो बताइएगा कि मेजनी एक योग सेनापति था, यानी मेजनी में एक सेनापति होने के जो सारे गुण मौजूद होते चाहिए वो सभी गुण उसमें समाहित था। इन्हीं के द्वारा यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1831 ईस्वी में। अगला सवाल देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। देखिए, आसान शब्दों में लिखिएगा कि 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन क्षेत्रों को जीतकर जर्मन राइन राज्य का गठन किया, जिससे जर्मनी में एकीकरण के लिए राष्ट्रवाद की भावनाओं का उदय हुआ, किंतु दक्षिण जर्मन के लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया और कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की जो भूमिका थी ना, वो काफ़ी महत्वपूर्ण थी। फिर से सुनिए, 1806 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया कि जर्मनी के तमाम क्षेत्रों को जीतकर और जर्मन राइन राज्य का गठन कर दिया। इससे क्या हुआ कि जर्मनी में एकीकरण के लिए तमाम लोग राष्ट्रवाद की भावनाओं को लेकर उदय हो रहे थे, किंतु उसी में दक्षिण जर्मन के कुछ ऐसे लोग थे जो इसका विरोध कर रहे थे, जिसे ऑस्ट्रिया और प्रशा ने मिलकर दबा दिया। और फिर होना क्या था, कूटनीति के द्वारा बिस्मार्क के नेतृत्व में जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो गया। इस प्रकार जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण मानी गई है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है कि खूनी रविवार क्या है। दोस्तों याद रखिएगा, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर जार के महल की ओर जा रहे थे, जिस पर जार के सेनाओं ने उन्हें अपना विरोधी समझकर उन पर बर्बरतापूर्वक गोलियां बरसा दी, जिसमें हजारों मजदूर मारे गए थे और हजारों मजदूर घायल हो गए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए, आसान समझ समझिए, 9 जनवरी 1905 ईस्वी की बात है जब रूस की जनता एक प्रार्थना पत्र को लेकर और रोटी दो ऐसे करके एक नारा लगाते हुए जार के महल की ओर जा रहे थे। जार किसको कहते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि रूस के सम्राट को जार कहा जाता था। अब जार के सेनाओं ने, यानी रूस के सम्राट के सेनाओं को लगा कि ये उनका विरोध करने के लिए विरोधी बनकर आ रही हैं, तो वे अपना विरोधी समझकर उन पर लगातार बर्बरतापूर्वक क्रूरतापूर्वक लगातार गोलियों की बारिश करने लगे, जिसमें कई हजार मजदूर मारे गए और हजारों जो मजदूर हैं वो घायल हुए थे। यह घटना पुरानी रूसी कैलेंडर के अनुसार रविवार को हुआ था। यही कारण है कि इस रविवार को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि कार्ल मार्क्स के जीवन सिद्धांतों को लिखिए। मैट्रिक एग्जाम पेपर 2016 में सवाल पूछा गया था और इससे पहले भी 1-2 बार सवाल पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा VBI है। देखिए, आसान शब्द में लिखिएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1828 में जर्मनी के राइन प्रांत में मेघुआ नामक शहर में हुआ था। उन्होंने रूस एवं मॉन्टेस्क्यू का गहरा अध्ययन भी किया था, जिसके कारण वे रूस में राजनीति और सामाजिक को सुधारने की ओर अग्रसर हो गए थे। उन्होंने 1868 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना भी किए, जिसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल के क्या पूछा जाएगा कि कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो जान गए कि कार्ल मार्क्स का जन्म 1828 ईस्वी में हुआ था। अब कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। जर्मनी के कौन से गांव में, तो मेघुआ नामक एक शहर था, जर्मनी स्टेट में पड़ता था, यहीं पे इनका जन्म 1828 ईस्वी में हो गया था।
उसके बाद में आता है कि कार्ल मार्क्स ने किस पुस्तक का प्रकाशन किया, तो दास कैपिटल, और कब किया, तो 1867 ईस्वी में। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे गए थे कि कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल नामक पुस्तक है ये किसका बाइबिल कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। अब देखिए दास कैपिटल में प्रमुख सिद्धांत थे वो कौन कौन थे, तो पहला सिद्धांत था द्वंद्वात्मक यानी भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा था वर्ग विहीन यानी राजविहीन का सिद्धांत, तीसरा था वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, उसके बाद में था अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये सभी के सभी कार्ल मार्क्स के द्वारा रचित पुस्तक दास कैपिटल के प्रमुख सिद्धांत थे। उसके बाद में देखिए कहता है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है, काफ़ी मज़ेदार सवाल है, ये भी आपके एग्जाम पेपर में दो नंबर पूछा जाता है। देखिए वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और संयुक्त रूप को ही वियतनाम कहा जाता है। कंबोडिया, लाओस और वियतनाम यदि तीनों देशों को यदि हम एक साथ मिलाकर कहेंगे तो उसे हिंद चीन कहेंगे, क्योंकि वियतनाम और लाओस पर चीन का तो आधिपत्य था लेकिन कंबोडिया भारत के प्रभाव में था। अब क्वेश्चन कहता है कि लेनिन की नई आर्थिक नीति क्या थी, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे याद जरूर कर लीजिएगा। देखिए रूस की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में नई आर्थिक नीति अपनाई। रूस की अर्थव्यवस्था काफ़ी ही चरम सीमा पर पड़ गई थी, काफ़ी लोग भूखमरी के शिकार हो रहे थे और बैंक के कर्ज से काफ़ी ही किसान परेशान थे, कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। अब ऐसे स्थिति में रूस की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए लेनिन ने 1921 ईस्वी में एक नीति लाया जिसे नई आर्थिक नीति का नाम दिया गया। इसके अनुसार लोगों को सीमित संपत्ति रखने के लिए छूट दे दी गई, रेलवे तथा बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर लिया गया, चर्च की संपत्ति जब्त कर ली गई। अब इतना ज़्यादा जब डेवलप हो गया रूस, तब क्या हुआ कि उद्योग के वस्तुओं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि होने लगी जिससे रूस की स्थिति काफ़ी मजबूत हो गई। इस प्रकार से लेनिन की नई आर्थिक नीति सच में रूस में मानवता विकास की सुनामी ला दिया था। अब अगला सवाल कहता है कि जिनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ था। देखिए याद रखिएगा जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। सवाल पूछे जाते हैं कि जिनेवा समझौता कब हुआ था, ये ऑब्जेक्टिव सवाल है, तो याद रखिएगा 1954 ईस्वी में हुआ था। किन दो देशों के बीच हुआ था, तो साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। जब साम्यवादी और अमेरिका के बीच में जिनेवा समझौता हो रहा था तो उसके बीच में क्या हुआ कि इस समझौता के अनुसार वियतनाम को दो भागों में बांट दिया गया, दो भागों में तोड़ दिया गया। एक का नाम पड़ा उत्तरी वियतनाम जहां साम्यवादियों की सरकार बन गई, दूसरा का नाम पड़ा दक्षिण वियतनाम जहां अमेरिका समर्थित पूंजीपतियों की सरकार बन गई। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, कहता है कि होची मिन्ह मार्ग क्या है। दोस्तों होची मिन्ह मार्ग क्या है, तो होची मिन्ह मार्ग एक प्रकार का भूलभुलैया है जो लाओस और कंबोडिया से होते हुए दक्षिण वियतनाम तक जाता था, जिसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। अमेरिका बार बार इसे नष्ट कर देता था किंतु वियतनामी तुरंत इसकी मरम्मत कर लेते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था। आसान शब्द समझिए, होची मिन्ह मार्ग होची मिन्ह शासक के द्वारा बनाया गया एक भूलभुलैया था। इसमें अनेक प्रकार की कच्ची पक्की सड़कें आकर मिलती थी। जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में जब लड़ाई हो रहा था ना जी, तो अमेरिका को इसी महल से होकर गुजरना पड़ता था वियतनाम तक पहुँचने में। तो क्या होता था कि इसी भूलभुलैया में अमेरिका के सैनिक भुला जाते थे और वियतनामी तुरंत उन सैनिकों की हत्या कर देते थे। इस प्रकार अमेरिका को तीन तरफा युद्ध में फंसकर पुनः वापस लौटना पड़ा था, पुनः अपना कदम पीछे हटाना पड़ा था। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 कहता है चंपारण सत्याग्रह का संक्षिप्त विवरण दीजिए। देखिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन नील उत्पादक किसानों की दयनीय स्थिति से संबंधित है। अंग्रेज किसान से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे, दूसरी ओर बगान मालिक ने लगान में काफ़ी वृद्धि कर दिया था जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की जिससे जिसके जो आगे है ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। आसान शब्द में जान लीजिए चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 में हुआ था, कहाँ पे, तो हमारे ही जिला
चंपारण से हुआ था। इन चंपारण को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी चंपारण और पूर्वी चंपारण में। यहाँ पे अंग्रेज इस तमाम किसानों से ज़बरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, और नील की खेती करवाने के कारण आप सभी तो जानते ही हैं कि खेत बंजर हो जाते हैं, उसमें नील के अलावा कोई अन्य फसल की खेती नहीं उपज पाती है। दूसरी ओर बागान मालिक ने लगान में काफ़ी ही ज़्यादा वृद्धि कर दिया था, जिससे किसान काफ़ी परेशान थे। अतः महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर सन 1987 में चंपारण आए थे, और यहाँ पर आकर राष्ट्रीय आंदोलन का पहला आज़ादी का बिगुल फूके, जिसे चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। इस यही वो आंदोलन था जिसमें ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा था। तो दोस्तों, वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो हे दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।